लंच क्रीमी शाही पनीर, ये फ्रेश दही है। बहुत बार टूटा है, अब देखते हैं आज ये टिक्की मेरा दिल तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी। लेट्स सी। वो कुलचा ही क्या जिसपे लगाए ना हम अमूल मक्खन। यहाँ पीछे सब लोग मुझे खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे दीपिका पादुकोण शूट कर रही है। मक्खन में लदा हुआ, ओए होए वाह। ये नूडल्स नहीं है, ये फालूदा है। महक स्टाइल में रा करके पी लेते हैं ठंडी ठंडी मीठी लस्सी। तो ये दिल है मेरा जो आप सबके लिए है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द वीडियोस। और चैलेंज वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं वो भी आएंगे और स्ट्रीट फूड वीडियोस भी आएंगे, बिकॉज दे गो हैंड इन हैंड। तो मैं आज आई हूँ करोल बाग और ये पापी पेट मुझे खींच के ले आया है करोल बाग की गलियों में। और यहाँ पे मैं ट्राई करने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड चलते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है कुलचा, बिकॉज मेरा कुलचा खाने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था। आशीष के मुँह से तो पानी गिर ही रहा है और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो चलते हैं, हमारे फर्स्ट लोकेशन है कुलचा रिपब्लिक। सो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट गोइंग। तो ये कुलचा हमारा हो गया एकदम रेडी और ये साथ में हमारे पास है शाही पनीर। अरे वाह 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 वाह, एकदम रिच क्रीमी शाही पनीर। ये चटनी ट्रेडिशनल अमृतसरी की चटनी इमली प्याज की। इमली प्याज और आलू भी है इसमें। ये बूंदी का रायता। हाँ जी। ये डल गई हमारी क्रीम। वो कुलचा ही क्या जिसपे लगाए ना हम अमूल मक्खन। आशीष आया मुंह से पानी। गाइस अगर आपके मुंह से पानी आया है ना तो वीडियो को लाइक कर दे। भूख इतनी ज्यादा तेज लग रही है, आप कर लेते हैं बढ़िया करके फटाफट से टेस्टिंग। काफी फ्लेकी है और ये है हमारी रिच क्रीमी शाही पनीर। मैं ग्रेवी के साथ ही इसको पहले एंजॉय करूंगी। कुलचा बहुत टेस्टी है, काफ़ी फ्लेकी है, स्टफिंग बहुत अच्छे से है, पूरा पनीर भरा हुआ है। चटनी के साथ भी खा के बताती हूँ कैसा है। एकदम मक्खन से लदा हुआ, क्रिस्पी फ्लेकी मज़ेदार, मज़ा आ गया ये खाकर। 150 रुपये का है ये और ये टोटली वर्थ द मनी है। ओए होए, स्वाद ही आ गया। तो गाइज एकदम से ना इतनी धूप थी जब कुलचा शूट कर रहे थे और जब तक हम दूसरी लोकेशन पर पहुंचे बारिश स्टार्ट हो गई। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मन कर रहा है छोले भटूरे और लस्सी पीने का। तो चलते हैं स्टैंडर्ड बर्फी की शॉप पर और ये 50 साल पुरानी है और इनके जो छोले भटूरे ना वो प्योर देसी घी में बनते हैं। तो आओ चलते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो दिल्ली वालों के फेवरेट फ्लफी देसी घी में तले हुए 50 साल पुरानी दुकान से छोले भटूरे। और ये पनीर भी डाला हुआ है मतलब इन्होंने इसके अंदर। बहुत स्वाद है, जो देसी घी की फ्रेग्रेंस है, जो महक आ रही है ना देसी घी की, बहुत अच्छी आ रही है। छोले मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बिल्कुल जैसे घर स्टाइल नहीं होते, एकदम पंजाबी छोले, मिर्च मसाला बहुत तेज़ नहीं। ये वो दिल्ली वाले, आई वोंट से ये दिल्ली वाले छोले भटूरे वाले छोले हैं, बट ये अमृतसरी पंजाबी फ्लेवर वाले जैसे घर में बनते हैं ना वैसे हैं। तो महक स्टाइल में रा करके पी लेते हैं ठंडी ठंडी मीठी लस्सी। ₹130 के हैं छोले भटूरे और ₹70 की लस्सी। ₹200 में फुल पैसा वसूल लगा, मज़ा आ गया। थोड़े से मुझे लग रहा है कि भटूरे और फ्लफी हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंसिस्टेंट है, मिर्ची नहीं है बिल्कुल और बहुत अच्छा, मतलब इट्स वेरी नीट एंड वेरी क्लीन इन्होंने बनाया है, प्योर देसी, मज़ा। तो
70 साल पुरानी शॉप से हम ट्राई कर रहे हैं कुल्फी फालूदा। ओहो, ये नूडल्स नहीं है, ये फालूदा है। तो जिनको भी ये नूडल्स लग रहे हैं ना, तो आपने कभी कुल्फी फालूदा नहीं खाया। रोशन की कुल्फी से है ये। यहाँ पे कुल्फी के अलावा बहुत कुछ और भी मिलता है। 140 रुपए की है ये, थोड़ी सी महंगी है। अगर आप लोगों को याद हो, लखनऊ में भी हमने खाई थी प्रकाश जी की कुल्फी, वो भी आई थिंक 70 रुपए की थी। तो आई थिंक कुल्फी का दाम ना ओवरऑल ही बढ़ गया है। उनकी भी एफिड्यू। ये वाली अच्छी है, बट मैं सच बताऊँ तो मुझे वो वाली ज़्यादा बढ़िया लगी थी। बट दिल्ली में कहते हैं इससे बेटर कुल्फी नहीं मिलती। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इन्होंने इसके अंदर ना थोड़ा रोज फ्लेवर भी डाला हुआ है, जो थोड़ा सा ओवर पावरिंग है। बट 140 के हिसाब से मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, बट ओवरऑल टेस्ट इज फाइन। यहाँ पीछे सब लोग मुझे खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे दीपिका पादुकोण शूट कर रही है, तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। सभी मुझे घूर रहे हैं यहाँ पे, बट क्या करें, काम है, करना पड़ेगा ना। गफार मार्केट की एंट्री पर है गणेश छोले कुलचे, तो वहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं छोले कुलचे। 70 रुपए की प्लेट है, आओ देखते हैं। तो अंकल ऐसा बताओ मुझे, ऐसा क्या बात है आपका डिफरेंट जो यहाँ पर छोले कुलचे? सबसे अलग है मैडम, हमारा इनसे किसी से मेल नहीं है। अच्छा, हमने पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं। बिल्कुल, आप चेक करिए और लोगों को चेक करवाइए, ऐसी बात नहीं है। रश तो अभी मतलब 4 बज रहे हैं, अभी भी रश है। जो कुलचे हमारे पास है पूरी दिल्ली में किसी के पास नहीं है। बेस्ट दिल्ली बेस्ट छोले कुलचे। अच्छा, साथ में आलू भी डालते हो, तो यही फेमस लग रहा है मुझे। ये छोले हैं? छोले, ये छोले बिल्कुल उबलता हुआ भैया, मिर्ची ज्यादा नहीं, कम गरम गरम वाला था हमारा। ये पीली मिर्ची है भैया, ये पीली मिर्ची है, पीली मिर्ची। और ये मसाला है, गरम मसाला है, चाट मसाला, अपना मसाला। और ये नमक है, काला और सफेद दोनों मिक्स होता है। अरे पुदीने की चटनी है, अदरक की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी। और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, कलर ही चेंज हो गया। हाँ, लोगों ने स्टार्ट कराया तो हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कोई नहीं था यहाँ पर। सर प्याज, ये प्याज, और ये टमाटर, टमाटर, और ये अचार मिर्ची। अच्छा, है अचार और मिर्ची, और एक नींबू, नींबू। अच्छा, बिल्कुल गर्मा गर्म। तो ये है छोले कुलचे। अंकल का कहना है कि वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के बेस्ट छोले कुलचे हैं। अब मैंने तो आज से पहले कभी खाए नहीं है, तो देखते हैं फिर उतने बढ़िया हैं या नहीं। थोड़ा नींबू डाल लेते हैं बढ़िया करके। जो कुलचे हैं बहुत सॉफ्ट हैं, नो डाउट, बट मसाला थोड़ा सा तेज़ लगा मुझे। मेरे हिसाब से जो छोले हैं काफ़ी स्पाइसी हैं छोले, और इन्होंने गर्मा गर्म एकदम निकाले थे छोले, और उसके ऊपर आपने देखा अलग से टमाटर, आलू मिर्ची प्याज सब चीज़ अलग से डाला है। कुलचे काफ़ी सॉफ्ट हैं, 70 रुपए के हिसाब से थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा, बट इन्होंने इतने सारे साथ में चीज़ें दी हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से इट्स वर्थ इट। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मतलब आप एक बार आके इसको ट्राई कर सकते हो, अच्छा है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ग्रेट है। तो करोलबाग आकर अगर सिंधी कॉर्नर से दिल वाली टिक्की नहीं खाओगे तो क्या खाओगे यार करोलबाग आकर। तो सिंधी कॉर्नर पर आए हैं हम वो दिल वाली टिक्की ट्राई करने, और मैंने ये टिक्की आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया। अगर आपने की तो कमेंट्स में बता दो, मेरा दिल तो बहुत बार टूटा है। अब देखते हैं आज ये टिक्की मेरा दिल तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, लेट्स सी। तो ये दिल है मेरा जो आप सबके लिए है। छोटू भैया उधर देख के हंस रहे हैं, भाई बड़ा गर्म है यार, मेरा दिल बड़ा गर्म है यार। मैंने पूछा नहीं, दिल वाली शेप की बनाते हैं यार, मुझे लगता है कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में आई थिंक ये बनाते होंगे मे बी, बिकॉज ये वाली शेप बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है। मतलब मैंने ऐसी टिक्की कभी नहीं खाई है, और काफ़ी क्रिस्पी भी लग रही है। ओए होए, काफ़ी क्रिस्पी। हाँ,
टिक्की स्वाद तो है। 80 रुपए की है। ये चटनी बड़ी अच्छी है ना, हरी और लाल को दोनों को मिक्स करके करा हुआ है, साथ में प्याज भी है इसके। मस्त है यार, इतनी क्रिस्पी है यार, क्रंच एक बार देखो, मुझे नहीं पता इतनी क्रिस्पी कैसे है। रियली गुड, स्वाद है। तो नेक्स्ट स्टॉप है केबी चाट पे मूंगलेट। तो मूंगलेट इज बेसिकली इंडियन पिज्जा। तो मैं आती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों की इसकी मेकिंग। तो ये है मूंगलेट, दो तरह की चटनी है, ये अमचूर की चटनी और ये हरी चटनी। ओहो, एकदम गरम गरम। बारिशों में मूंगलेट खाने का ना अलग ही स्वाद होता है वैसे। बहुत गर्म है, टेस्टी तो काफी है, काफी बटरी है, काफी सॉफ्ट है और फ्लफी कितना है ये। अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा, बट ठीक है, कुछ थोड़ा मतलब डिफरेंट खाना अगर आपको हो तो अच्छा है। 80 रुपीज़ का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जो मैंने ITO में खाया था मुझे उसका टेस्ट बेटर लगा था, बिकॉज उन्होंने पूरा इसको एक पिज्ज़ा स्टाइल में बनाया था। उनका बनाने का स्टाइल डिफरेंट था, इनका डिफरेंट है। दिस इज़ गुड, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई वंस। और मेकिंग करने का इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट था, जैसे भैया ने बहुत अच्छे से फ्लिप किया, देखो आप एकदम स्टीमिंग हॉट है ये, और वेजीज भी काफी काफी जेनरसली डाली हैं। तो गाइज दैट्स फॉर इट। एक्चुअली हमें आंटी का पास्ता भी कवर करना था, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज शायद शॉप आज लगी नहीं है, और कोई बात नहीं, अगली बारी डाल देंगे, अगली बारी बना लेंगे उसकी वीडियो। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन, और फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, इंस्टा पे भी कर लो। इंस्टा पे मेरे 300K फॉलोअर्स हो गए हैं। सो लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।